हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 13.2, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका जो पहला पार्ट था वो आपके पास है, जिसमें हम लोगों ने 13.2 के पांचों क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आइए देखते हैं अब छठा क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है कि मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है, इसमें पीई तथा पीई बराबर 3/5 और पीएफ बराबर 3/10 है, और इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन कितना है एफ बराबर 1/5 है, तब हमारे पास क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है। देखिए स्वतंत्र घटना के लिए या घटना स्वतंत्र होने के लिए, घटना स्वतंत्र होने के लिए हमारे पास होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई और डॉट होता है पी एफ, पी ई और डॉट की तरह पी एफ होता है। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ है तो 1/5 हो जाएगा, पी ई का मान 3/5 है और पी एफ का मान 3/10 है। ठीक है, अब हम इसमें करते क्या है, 1/5 है और यहाँ पर देखो 3 × 9 और 5 × 50, देखो 1/5 बराबर नहीं है 3/5 के, अतः घटना स्वतंत्र नहीं है। अतः घटना क्या है, अतः घटना स्वतंत्र नहीं है। घटना क्या है, स्वतंत्र नहीं है, घटना जो है वह स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उसके लिए देखते हैं। देख इसमें क्या देखा हमने कि घटना जो है वह स्वतंत्र घटना नहीं है, क्योंकि इसका मान बराबर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, ए और बी ऐसी घटना दी गई है, ऐसी घटना दी गई है जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 और पी बराबर है और पी का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटना, पहली कंडीशन दिया गया है यदि घटना परस्पर अपवर्जी हो और दूसरा घटना स्वतंत्र हो। पहला दिया गया कि घटना परस्पर अपवर्जी हो और दूसरा दिया गया है घटना स्वतंत्र। क्या दिया गया है, घटना जो हो वह स्वतंत्र हो, पहला घटना परस्पर अपवर्जी हो और दूसरा घटना दिया गया परस्पर स्वतंत्र हो। तो देखिए हम इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखें तो यदि घटना, हमने बताया था कि जब कभी भी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी या ई इंटरसेक्शन एफ का मान 0 होता है, कितना होता है 0। तो अपवर्जी के लिए, अपवर्जी के लिए, अपवर्जी के लिए अगर देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वह 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। तो आप यहां से जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस होता है पी ए यूनियन बी, इसका मान 0 है, 0 रखे। पी ए का मान हमारे पास 1/2 है, कितना है 1/2, पी ए का जो मान है वह 1/2 है, पी बी का मान पी है
और इसका मान 3/5 है। ये आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2022 के आपके पास मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन था। फिर 5 × 5 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और बटा में 2 × 5 = 10 प्लस है पी, 5 में से 6 गया तो -1/10 प्लस पी, और यहां से इधर आया तो यह हो जाएगा देखो कि 1/10 बराबर पी और पी का मान आ गया 1/10। तो जब घटना अपवर्जी हो तो पी का मान हो जाएगा 1/10। दूसरी कंडीशन है कि यदि घटना स्वतंत्र हो, घटना क्या हो स्वतंत्र, घटना स्वतंत्र हो, घटना क्या हो स्वतंत्र, तो स्वतंत्र के लिए देखिए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए और डॉट कितना पी, पी ए डॉट क्या होता है तीन। यदि घटना स्वतंत्र होगी तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर जो मान होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए कितना हो गया पी बी। अब हमें इंटरसेक्शन का मान याद करना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मान 1/2 है और पी बी का मान पी है तो इसका मान आ गया 1/2 पी। अब आप यहां से जानते हैं कि मान याद करने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस हो जाएगा पी ए यूनियन कितना बी, इसका मान है 1/2 पी, यह है पी ए का मान 1/2 है प्लस पी बी का मान पी है, ए यूनियन बी का मान 3/5 है। हमारे पास होगा क्या 1/2 पी है। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 5 × 5 है और 2 × 3 = 6 बटा में 5 × 10 और प्लस कितना पी, यह 1/2 है इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए और यह माइनस 5 में से 6 गया माइनस तो -1/10 इधर आएगा तो +1/10 और इधर यह जाएगा तो पी माइनस 1/2 कितना पी, 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 2p − p/2 और यहां हो जाएगा 1/10 बराबर p/2 2 × 2 = 2 × 5 = 10 और p बराबर हो गया 1/5। तो p का मान जो है वह आपके पास है 1/5 है। तो यहां पर देखिए जब घटना आपके पास स्वतंत्र थी तो यहां पर इसका मान 1/5 है और जब घटना अपवर्जी थी तो उसका मान 1/10 है। कितना है 1/10 मान दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं उसका मान याद करेंगे हम लोग। अठवां देखिए एट क्या है क्वेश्चन कि मान लीजिए, क्या करना है कि मान लें ए व बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है तथा पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4 है, तब हमें ज्ञात करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला कि पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा है पी ए यूनियन बी और तीसरा पॉइंट है आपके पास कितना कि पी ए बाई बी और चौथा है आपके पास कितना कि पी बी बाई ए ज्ञात करना है। इसको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें सबसे पहले इसको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्र घटना के लिए होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर
PA डॉट कितना PB, PA डॉट क्या होता है PB होता है और PA डॉट PB होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं PA का मान कितना है 0.3 है, PB का मान 4 है और 4 × 3 = 12 हो जाएगा इतना 12। दो अंक पर हम दशमलव लगाएंगे तो यह हो गया PA इंटरसेक्शन कितना B हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि PA यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B, तो A यूनियन B याद करना है, हम जानते हैं PA PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन क्या होता है B होता है, तो देखिए PA यूनियन B है, PA का मान कितना है 0.3 है, PB का मान कितना है 0.4 है, इंटरसेक्शन का मान कितना है 0.12 है। अब आप रख दीजिए तो 4 × 3 = 7 हो गया 0.7, जीरो भी लिख सकते हैं आप, दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो आपके पास हो जाएगा 0.12। अगर इसको हटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 1 गया तो 5 हो गया इतना, तो इंटरसेक्शन का मान आपके पास आ गया इतना, तो यूनियन का मान आपके पास आ गया 0.58। अब इसी प्रकार से हमें कह रहे हैं कि ए बाई बी ज्ञात करना है, ए बाई बी ज्ञात करने का मतलब कि आपके पास बी ए बाई बी मतलब यहां पर हम इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे सह प्रतिबंध प्रायिकता जिसे कह सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखो क्या होता है कि PA by B equal to PA intersection B और बटा में होता है कि PB क्या होता है PB होगा। इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास इंटरसेक्शन का मान कितना दिया गया है 0.12 है और PB का मान आपको दिया गया है 0.4 है। अगर हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखो हो जाएगा 12 और दो अंक पर दशमलव है और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 40 हो जाएगा 40 ना। अब ऐसा भी कर सकते थे कि 4 × 3 = 12 0.3 आ जाएगा आंसर, 4 × 4 = 12 ठीक है 0.3। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर। फिर अगर आपके पास है चौथा तो पी बी बाई ए, फिर हमारे पास हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और हो जाएगा कितना पी ए, जो यहां पर वही यहां, जो यहां पर वही यहां पर। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.12 है और पी ए का मान कितना है 0.3, तो 3 × 4 = 12 तो 0.4, इसका मान 0.4 हो गया, इसका मान कितना 0.3 हो गया। आइए चेक कर लेते हैं 4 × 3 = 12। यह है आपके पास आठवां नंबर क्वेश्चन 13.28 क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। देखो महाजन देखो सही है ठीक, यह था आपके पास क्वेश्चन और जिसका आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए फर्स्ट था फिर सेकंड था फिर थर्ड फिर फोर्थ ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें याद करना है घटनाओं के बारे में, किसके बारे में घटनाओं के बारे में, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसको देख लेते हैं कि दिया गया है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं, ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर 1/4, जहां PA बराबर 1/4
बराबर पीवी बराबर एक बटे दो और ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक बटे आठ, तब हमें क्या करना है, तब पी ए नहीं और बी नहीं, ए नहीं और बी नहीं, ज्ञात कीजिए ए नहीं और बी नहीं, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ना तो ए मतलब ए नहीं और बी नहीं हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, आपके पास क्वेश्चंस को देखिए, हमारे पास क्या है कि एक है जादू की छड़ी और उसी से हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए देखते हैं कि यहाँ पर इस जादू की छड़ी का प्रयोग करेंगे। दिया गया है कि हल है हमारे पास कि पी ए बराबर एक बटे चार और पी बी बराबर एक बटे दो और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक बटे आठ। हमारे पास पता है कि पी ए नहीं और क्या है, बी नहीं, ए नहीं और बी नहीं का मान है, तो हम इसको कह सकते हैं पी ए यूनियन बी नहीं है, और हम कह सकते हैं कि पी अगर यह है नहीं है तो है भी होना चाहिए। तो आप जानते हैं देखिए कि किसी घटना के होने और न होने की जो प्रायिकता होती है वह एक होती है, कितना होती है, एक। अगर हम यही नहीं वाला अगर देखें तो यह देखो यह माइनस कितना, कि एक माइनस कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा, एक माइनस पीई होगा, तो यहां पर हो जाएगा एक माइनस, यहां पर हो जाएगा पी ए यूनियन बी, ए यूनियन कितना हो गया बी। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वन माइनस पी ए, देखो ए यूनियन बी का मान कितना होता है, पी ए होगा, पी बी होगा और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। यहाँ पर वन, पी ए का मान कितना है बटे चार, पी बी का मान एक बटे दो, इसका मान एक बटे आठ, एक माइनस यहां से हो जाएगा कितना, चार दूनी आठ, दो चौकी आठ और इकट्ठे चार दो छह, छह से गया कितना, पांच बटे आठ हो जाएगा, आठ का आठ, आठ से पांच गया तीन बटे आठ, तो घटना के न होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, तीन बटे आठ, घटना के न होने की प्रायिकता तीन बटे आठ। ठीक है, तीन बटे आठ, तो घटना के न होने की प्रायिकता कितना है, तीन बटे आठ है। सही है, यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर नौ। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दस। तो ये क्वेश्चन आपके पास जो सोल्यूशन है उसको हम कई पार्ट में वीडियोस को आपके पास डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें देखिए कि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, अगर हम क्या करते हैं कि एक ही पार्ट में पूरे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जिसमें आप बहुत ही उबाऊ महसूस करेंगे, आप भी और हम भी, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट अगर नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके पास पांच क्वेश्चन, आठ क्वेश्चन, दस क्वेश्चन, उतने ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जितना आप सॉल्व कर पाए। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दसवां। देखिए दसवां क्वेश्चन है कि मान ले, क्या मानेंगे आप, जो दिया गया है वही मानेंगे, मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, और पी ए बराबर और पी ए बराबर एक बटा दो,
टीवी बराबर 7/12 और पीए नहीं और बी नहीं का मान कितना है 1/4। तो क्या ए और बी घटना स्वतंत्र है? नाम से पूछा है स्वतंत्र है। देखो अभी हमने देखा था कि पी ए नहीं और बी नहीं का जो मान है वह देखो होता है पी ए और बी नहीं, यही होता है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास देखो मान क्या होता है, इसका मान हमने देखा कि इसका मान आपके पास होता है कि 1 - p ए यूनियन कितना बी, ए यूनियन कितना है बी। हम यहां से ज्ञात करेंगे कि यहां से इसको इधर करिए तो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर 1 - a, मतलब 1 - a/4, 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, यूनियन का मान 3/4। हमें ज्ञात करना है इंटरसेक्शन, क्या ज्ञात करना है इंटरसेक्शन। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है PA + PB और माइनस क्या होता है पी ए यूनियन कितना बी। इंटरसेक्शन देखो पी ए इंटरसेक्शन बी है, पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान 7/12 है, यूनियन का मान 3/4 है। हम यहां से करते हैं तो देखो 2 × 6 = 12, 7 हो गया और 4 × 3 = 12, मतलब 3 × 3 = 9, क्योंकि 3 का गुणा हो रहा है तो यहां हो गया 12, हो गया देखो 6, 9 कट गया, क्या करेंगे 7 × 6 = 13, 13 में से 9 गए तो 4 बचा, तो 4/12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है 1/3 आ गया, इतना आ गया 1/3 आ गया महोदय लोग ना। अब आप करेंगे क्या, स्वतंत्र है घटना की नहीं, घटना स्वतंत्र या स्वतंत्र के लिए। जब कोई स्वतंत्र होगा तो मतलब क्या होता है इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि राजा मंत्री अगर बराबर तभी तो स्वतंत्र है ना, जनता मंत्री सब बराबर तभी क्या है स्वतंत्र है। तो ये क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, और इंटरसेक्शन अगर हम देखेंगे तो इंटरसेक्शन देख लिए हम 1/3 और पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान 7/12, 1/3 और 7/24 बराबर हैं, बराबर नहीं है, अतः घटना स्वतंत्र नहीं है। अतः घटना जो है वह स्वतंत्र, घटना स्वतंत्र नहीं है, घटना जो है वह स्वतंत्र नहीं है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने देखा क्या कि यहां पर आप कौन कौन से मान को ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह था आपके पास 5 क्वेश्चन और, अब उसके बाद है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में, जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों में जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, कि जिससे कि आपके जो मित्र हो, फ्रेंड हो, जो भी स्टूडेंट हो, वो आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।